हम मोदी जी को बहुत चाहते दिल से, लेकिन ये दुखी कर देता है हम लोग का। यहाँ युवा देखे, युवा को कोई काम नहीं दिया, यहाँ पे सब बेरोजगार है। पानी की हम लोग सुविधा पाने वास्ते मर रहे हैं, कुरुंडिया में पानी वास्ते मर रहे हैं, सब चीज हुआ लेकिन अभी तक पानी की सुविधा नहीं हो सका। तो डॉक्टर सरफराज अहमद थे तब आप लोग कुछ नहीं किए? बोले कुछ नहीं किए, कोई बात नहीं, एक दिन आते हैं घूम के चले जाते हैं। बोरिंग पास किया हुआ जैसे चल गया रिटर्न दूसरा जगह, अरे सफर उस जगह अभी उपचुनाव हो रहा है, पानी के लिए हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सरफराज अहमद ठग के भाग गया। हम लोग चेक डैम बोले, यहाँ पे नदी है सर, किसान यहाँ मर रहे हैं सब, लेकिन चेक डैम देते नहीं है, बड़ा डैम देते है। आज 20 गांव हम लोग को यहाँ पे 20 गांव का लोग किसान लोग आज गदगद रहता। मोदी को देख रहे हैं, मगर अन्नपूर्णा देवी जो जिता भेजे थे एक बार, कुछ काम नहीं किया, मन लायक नहीं, मगर मजबूरी में हम लोग मोदी के नाम पर वोट देखना देख रहे हैं। ना अन्नपूर्णा 5 साल तक कोई काम किए है, ना सरफराज काम किए हैं, बस वोट आ गया वोट मांगने के लिए। सब इस बार नया चेहरा की यहाँ जरूरत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। गर्मी प्रचंड है लेकिन प्रत्याशी जो आजमाइश लगा रहे हैं, खूब शरीर से पसीना बहा रहे हैं, जनता को रिझा रहे हैं। अभी हम इस वक्त खड़े हैं गांडे विधानसभा में, यहाँ उपचुनाव भी होना है, लोकसभा में भी यहाँ वोटिंग होना है। लोगों के दिल में क्या चल रहा है वही जानने आए हैं। कौन बाजार है ये? कुरुमडिया चौक। कुरुमडिया चौक, यहाँ तो गिरिडीह लोकसभा हुआ ना, कोडरमा आई गांडे विधानसभा। गांडे विधानसभा कौन कौन लड़ रहा है यहाँ, खड़ा कौन कौन हुआ? अन्नपूर्णा देवी और दिलीप वर्मा और कल्पना सुरेन और जयप्रकाश वर्मा निर्दलीय से। अच्छा, वही तो माले से क्या खड़ा हुआ? माले से विनोद सिंह। अच्छा, तो क्या लग रहा है, किसका हवा बयार है इस बार? अभी तो हवा लग रहा है बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ, माहौल जैसा बन रहा है। और उपचुनाव में? उपचुनाव में भी उसी चल रहा है, उसी का चल रहा है। कुछ युवा लोग भी हैं यहाँ पे, उन लोगों से जान लेते हैं क्या है आप लोग का मन में, आप लोग का कोई दिल का बात नेता लोग भाषण में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोल रहा है। उपचुनाव भी होना, आप लोग को डबल डबल वोट देना है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है यहाँ से? हम लोग तो कल्पना सुरेन। कल्पना सुरेन को? और लोकसभा में? विनोद सिंह। लोकसभा में विनोद सिंह, यही चूज किए हैं। युवा लोग को कोई बोल रहा है मंत्र जो आ रहा है, बड़ा बड़ा नेता जो, आप लोग का क्या मुद्दा है, रोजगार है? तीनों नहीं आए, कोई आया नहीं है यहाँ इस गांव में, अभी कोई लोग नहीं आए हैं। क्या लग रहा है, किसका हवा बया रहा है इधर? हम लोग मधुपुर से आए हैं। मधुपुर से आए हैं, तो वहाँ कौन है जी? निशिकांत दुबे और इसमें प्रदीप यादव। निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे जीत रहे हैं। है? हम आए हैं रांची से। एक बात बताइए बाबा, यहाँ क्या है स्थिति, हवा बयार? यहाँ का स्थिति यही है, मोदी भी जरूरी है लेकिन अन्नपूर्णा मजबूरी है। अच्छा, इस क्षेत्र में अन्नपूर्णा को फुल बहुमत के साथ भेजे। हाँ। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री भी रही, ठीक है, लेकिन एक भी दिन ना क्षेत्र पहुंची, ना कहीं मेडिकल कॉलेज खोले, ना किसी बच्चे का भविष्य के बारे में कुछ तय कर पाए। अच्छा। आज हम लोग के साथ मजबूरी होकर निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा की ओर हम लोग फुल बहुमत देने के लिए जा रहे हैं। जयप्रकाश वर्मा को वोट दीजिए जी, निर्दलीय प्रत्याशी जिसको जनता ने खुद समय तय की है। आया उपचुनाव में? उपचुनाव का तय जो है इधर उम्मीद और इधर से लगभग आए तय जी दिलीप वर्मा जी बीजेपी से। दिलीप वर्मा काहे, कल्पना सोरेन तो खड़ी है जी, कल्पना सोरेन का भाषण सुने हम? सुने सर, लेकिन हम लोग दिलीप वर्मा को वोट देंगे। अच्छा, कल्पना सोरेन को नहीं? नहीं। तो वहाँ लोग कह रहा है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगी मैडम? नहीं नहीं, दिलीप जी को देंगे वोट। हाँ, वो विकास उम्मीद दिया है हम लोग का कि विकास करेंगे। यहाँ बहुत बेरोजगार है युवा लोग, यहाँ पानी का बहुत तकलीफ है, लाइट का तकलीफ है, डैम चाहिए,
लेकिन कुछ विकास नहीं हो रहा है। पानी के हम लोग सुविधा पानी वास्ते मर रहे हैं, रुकरुंडिया में पानी वास्ते मर रहे हैं, सब चीज हुआ लेकिन अभी तक पानी की सुविधा नहीं हो सका। तो डॉक्टर सरफराज अहमद थे तब आप लोग नहीं कुछ नहीं किए? बोले कुछ नहीं किए, कोई बात नहीं, एक दिन आते हैं घूम के चले जाते हैं। बोरिंग पास किया हुआ जैसे चल गया रिटर्न दूसरा जगह। वही तो वोट करवा रहा है, दोबारा वोट करवा रहा है, इस्तीफा दे दिया, साल भर पुराया नहीं, आज इस्तीफा दे, उस जगह पर उप चुनाव हो रहा है। पानी के लिए हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, सरफराज अहमद ठग के भाग गया। चेक डैम बोले यहाँ पे नदी है सर, किसान यहाँ मर रहे हैं सब, लेकिन चेक डैम देते नहीं है, बड़ा डैम देते। आज 20 गांव हम लोग को यहाँ पे 20 गांव का लोग किसान लोग आज गदगद रहता। आज कल्पना सुनो, सरफराज अहमद दोनों नहीं लड़ता, अगर सब चलाता सरफराज अहमद, सरफराज अहमद इस्तीफा दे देता वही लड़ रहा है। दोबारा पैसा खर्चा किया जनता को खेत में का पैसा, आपका पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? मेरा जनता के पीछे तो पागल हो गया है। जैसे कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं? अरे कुछ इनकम भी हो रहा है चुनाव में, सुने इधर बहुत कोई इनकम नहीं हो रहा है। ये पैसा पर हम लोग नहीं बिकने वाले हैं, जिसको बट रहा है लेकिन नहीं नहीं बट नहीं रहा है, हम लोग मिला तो नहीं है अभी तक। अच्छा तो क्या है उपचुनाव में किसको वोट कर रहे हैं, किसको जिता रहे हैं और लोकसभा में? दिलीप वर्मा, दिलीप वर्मा का। लोकसभा में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं मोदी सरकार को, ठीक है, मोदी को देख रहे हैं, मगर अन्नपूर्णा देवी जो जिता भेजे थे एक बार, कुछ काम नहीं किया, मन लायक नहीं, नहीं, मगर मजबूरी में हम लोग मोदी के नाम पर वोट देखना देख रहे हैं। यहाँ विशेष है पानी का समस्या, विशेष पानी की समस्या है, जब जब वोट की जरूरत पड़े तब यहाँ नेता लोग ही पधारते हैं। जैसे सरफराज अहमद कहा जाए तो 5 साल का उसका आंकड़ा निकाला जाए तो कोई काम आपको नहीं मिलेगा, न जल न योजना। आपका चेक डैम का बहुत बड़ा डिमांड था यहाँ। हाँ डिमांड है, वो तो वहाँ बड़ा डैम को छोड़िए, हम लोग को चापा नल तक का व्यवस्था यहाँ नहीं है, पानी के नल भी नहीं है। नहीं तो यहाँ तो थोड़ा चट्टी टाइप का है, 2-4 दुकानों का है, बाजार टाइप का लगता है वो अपना बोरिंग पर्सनल का, पर्सनल बोरिंग है ना। 5 साल में आज तक आप लोग आवेदन दिए कभी विधायक को बोले कि आके लगाइए चापाकल? क्या विधायक को कभी आना, वोट के समय वो बार बार आते हैं तो अभी तो आना चाहिए उसको, फिर अपना जब उनका लगाने के लिए तो लाइट लाइन लगाए ना। अन्नपूर्णा 5 साल तक कोई काम की है ना, सरफराज काम किए हैं, बस वोट आ गया वोट मांगने के लिए सब। इस बार नया चेहरा की यहाँ जरूरत है, नया चेहरा आप लोग देख रहे हैं, बदलाव हम तो बताए हैं दी आपको, बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। दिल में बहुत सारा बात छुपा, आपके दिल में क्या छुपा है, क्या है मुद्दा युवाओं के लिए? हम लोग तो मोदी को वोट देंगे, बड़ा नेता मोदी के सपोर्टर हैं, बड़ा नेता यही है, अभी नेता यही है मेन, हम लोग मोदी का भक्ति है, मोदी को वोट देंगे। अरे वो खड़ा कर दें उपचुनाव में भी मोदी का, कोई भी कैडर खड़ा कर देगा। क्या है युवा का मुद्दा, बोल रहे हैं यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं सब। देखिए पानी के लिए तरस रहे हैं, बोरिंग हुआ था पानी उसमें नहीं निकला, लेकिन हम लोग फिर जब सरकार बनेगी तो हम लोग फिर उससे मांग करेंगे और चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से जल्द हो सके और हम लोग पानी का मतलब समस्या से निराकरण करें। बात पहुंचेगा सर? हाँ पहुंचेगा मोदी जी तक। मोदी जी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग से बहुत बड़ा डैम देवे और विकास करे, और अपना विधायक हो जो भी हो एमपी एमएलए उसको ध्यान देवे कोडरमा क्षेत्र में, हम लोग का गांडे और कोडरमा दोनों पड़ता है यहाँ पे। यहाँ 700 फीट बोरिंग डीप बोरिंग होने के बावजूद भी पानी जब नहीं आता है तो हम लोग को बहुत दूर दूर से लाना होता है खेत तरफ से पानी। देखिए पानी का सब मोदी जी को 16 का 16 सीट दिए हैं, मोदी में वोट देखा है वहाँ पे, अगले चुनाव में भी हुआ 156 सीट लाए हैं मोदी जी को। आप गुजरात में रहते हैं? हाँ अच्छा, समझे कि नहीं, इसलिए हम मोदी जी को बहुत चाहते दिल से, लेकिन ये दुखी कर देता है हम लोग का यहाँ युवा। देखे युवा को कोई काम नहीं दिया यहाँ पे, सब बेरोजगार है बैठे हुए हैं। तो आप रहने वाले गुजरात के हैं कि यहाँ के रहने वाले? का रहने वाले, गुजरात में काम कर। हाँ आज 40 साल से वहीं पे है, 30 साल से बन पाया है ना, एक भी हॉस्पिटल बना है यहाँ जैसे तैसे, सब लड़का बेरोजगार है, ना कोई बढ़िया फैक्ट्री, ना कोई कारखाना, कुछ नहीं है, सब बेरोजगार है। यहाँ से गाँव का लड़का 40 रहते बाहर, यहाँ 40 से 50 गुजरात में सब रहते। हाँ गुजरात में कोई बम्बई में कोई इधर कोई किधर रहता है। मेरठ
पलायन बहुत बड़ी समस्या है, पानी समस्या है, और बेरोजगारी का तो अब बात ही करना छोड़ दीजिए, वो किसी के एजेंडे में नहीं है। कह रहे हैं लोग यहाँ से जाकर दूसरे राज्यों में 40 साल से रह रहे हैं, मतलब वहाँ उनका रोजगार चल गया या उनको नौकरी मिल गया मन लायक। अब देखिए इस बार जनता का क्या मूड है, उपचुनाव भी होने वाला है और लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है, जनता किसको अपना सर्वाधिक वोट देगी वो भी हम आपको दिखाएंगे जिस दिन ईवीएम खुलेगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in